नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब इसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं, आरसीपी सिंह को जब जदयू राज्यसभा नहीं भेज रही है तो वह आखिर किस पार्टी से राज्यसभा जाएंगे। एक और सवाल जो लगातार बिहार की राजनीति में तैर रहा है वो ये है कि आखिर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से इस घटना का बदला कैसे लेंगे। जिस तरीके से आरसीपी सिंह को मंत्री रहते हुए उनके पद से विमुक्त कर दिया गया है राज्यसभा के, इससे पार्टी में कभी भी भगदड़ मच सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। ये बातें भी बताई जा रही थी कि आरसीपी सिंह पटना छोड़ नहीं रहे हैं और इसी बीच राज्यपाल दिल्ली चले जाते हैं। राज्यपाल के पीछे पीछे आरसीपी सिंह भी दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले आरसीपी सिंह ने एक बड़ी बात ये की थी कि उन्होंने बिहार में जदयू के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की थी। उन्होंने उन नेताओं को आश्वासन भी दिया था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी राज्यसभा जाने की जो तैयारियां हैं उसमें कोई विघ्न कोई बाधा नहीं लग सकती है। एक और बड़ी बात है, ये भी दावा किया जा रहा है कि जदयू के अच्छे खासे विधायकों की संख्या जो है वो आरसीपी सिंह के साथ ईमानदारी से जुड़ी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार, ललन सिंह, इन सभी के लिए बड़ा मुश्किल समय आ जाएगा अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा आरसीपी सिंह को। लेकिन जो तेवर कल तक काफ़ी तल्ख थे आरसीपी सिंह के, वो आज काफ़ी बदले। आज पत्रकारों से बात करते समय उनके स्वभाव में काफ़ी नरमी आई। पार्टी और गठबंधन के प्रति उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, जिससे ये भी लगा कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं। नीतीश कुमार भी अपने फैसले को लगातार लंबा टाल रहे हैं, जिसकी वजह से भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर अंदर नीतीश कुमार भी दबाव में है। लेकिन एक तरफ पार्टी बचानी है, एक तरफ ललन सिंह को खुश करना है, आरसीपी सिंह को भी उनके जो तथाकथित आरोप लगते हैं उन पर कि वो भाजपा के साथ हो गए हैं उसकी भी सजा देनी है। इन सब को साधने के लिए नीतीश कुमार ने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन नीतीश की चुप्पी से कभी भी जदयू में बड़ी भगदड़ मच सकती है, ये बातें लगातार हो रही हैं। अब इस बीच आरसीपी सिंह ने दिल्ली में स्पष्ट कर दिया है कि उनके रिश्ते नीतीश कुमार से हमेशा मधुर थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने उल्टा पत्रकारों पर आरोप लगाया कि आप ही मनगढ़ंत कहानी चलाते हैं जिसकी वजह से ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। ललन सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा से रिश्ते मेरे आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, और ये सब कुछ नीतीश कुमार के कहने पर ही हो रहा था। यानी नीतीश कुमार के साथ कोई गलत काम मैंने नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे सजा मिले। अब जहाँ एक तरफ ये सारी बातें कह रहे हैं आरसीपी सिंह, ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा मैसेज आया है पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अजय आलोक ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में शायद आरसीपी सिंह जदयू और भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्तों को एक बार में उन्होंने साथ दिया है और किस तरफ ये ऊंट करवट लेगा ये भी बता दिया है। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि भैंस की चमड़ी पे पानी नहीं टिकता है, उसी तरह आरजेडी और जेडीयू कभी साथ टिक नहीं सकते। निश्चित रहे, सब ठीक है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और आरसीपी सिंह जी की अहम भूमिका हमेशा रहेगी। शिल्पकार अपनी मूर्ति कभी नहीं तोड़ता है और बिहार को बनाया है नीतीश ने। देखिए, यहाँ दो बातें स्पष्ट इस ट्वीट में समझ में आती हैं, आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट होगा। एक कि आरजेडी और जदयू का जो रिश्ता है वो कभी साथ नहीं हो सकता है, जैसे कि भैंस के पीठ पर पानी नहीं टिकता है। वहीं दूसरी तरफ वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बनाता है। जिस तरीके से जदयू को आरसीपी सिंह नीतीश कुमार ने गढ़ा है, ये कभी नहीं हो सकता है कि आरसीपी सिंह जदयू को तोड़ दे या नीतीश कुमार जदयू को तोड़ने की कोशिश करें या आरसीपी सिंह को उसे सजा देने की कोशिश करें। यानी कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल किया गया है। पार्टी के नेताओं को ये स्पष्ट पता चल गया है कि आरसीपी सिंह किसी भी वक्त पार्टी में भगदड़ कर सकते हैं, फैसला जो है वो उनके हक में अगर नहीं आता है तो। अगली अपडेट जल्द ही आप तक पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।